जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से और अन्य को मंत्री पदों से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत संपूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश की। धन और सत्ता बल से ईडी और इनकम टैक्स के जरिए दबाव बनाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की गयी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। सचिन पायलट दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल में उलझकर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट और पर्यटन और खाद्य मंत्री पद से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बर्खास्त कर दिया गया। सुरजेवाला ने बताया कि पिछले 72 घंटों में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के माध्यम से सचिन पायलट से और अन्य मंत्रियों से विधायकों से संपर्क बनाने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने कई बार बात की, प्रयास किए गए कि वे वापस आ जाएं। उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और उनके साथी मंत्री सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, ये अस्वीकार्य है, इसलिए बड़े दुखी मन से कुछ निर्णय लिए हैं। सुरजेवाला ने पीसीसी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया। उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। हेम सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ गणेश गोगरा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले राजस्थान सरकार पर आया सियासी संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली के बड़े नेताओं और कथित तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फोन कॉल्स के बाद भी सचिन पायलट के बगावती तेवर शांत नहीं हुए। सोमवार को पार्टी विरोध गतिविधियों को लेकर प्रस्ताव पारित कर एक ओर जहां पायलट और उनके समर्थक विधायकों को चेतावनी दी गई, वहीं उनकी मान मनुहार की हर संभव कोशिश जारी रही, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। पायलट विधायक दल की दूसरी यानी मंगलवार सुबह बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए।